रसायन के अध्ययन में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में सीख पा रहे थे, और इसके अंतर्गत मित्रों हम लोग जानेंगे फुलरीन के बारे में। इसके पूर्व वीडियो में हमने ग्रेफाइट के बारे में बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फुलरीन मित्रों है क्या? दरअसल कार्बन के तीन बेटे होते हैं, यानी कार्बन के तीन भाई होते हैं। आप यह कह सकते हैं कार्बन के तीन सदस्य होते हैं जिन्हें हम लोग अपर रूप कहते हैं। वो अपर रूप कौन है कार्बन के? पहले नंबर पे हीरा होता है, दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट होता है। मित्रों एक तीसरा भी अपर रूप है जो कि फुलरीन के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह कार्बन का बहुत अच्छा अपर रूप होता है, इसका बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर भी किया जाता है, और कई सारे बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है फुलरीन है क्या। फुलरीन की आकृति फुटबॉल के जैसे होती है, इसलिए इसे वॉलीबॉल भी कहा जाता है। दरअसल मित्रों इसके अतिरिक्त इसका नाम बकमिस्टर फुलरीन भी होता है, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो बकमिस्टर ने की थी, इसलिए मित्रों इसका जो दूसरा नाम पड़ा वो बकमिस्टर पड़ा है, राइट। फुलरीन के एक अणु में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। मित्रों जो फुलरीन है, फुलरीन का जो एक अणु होता है उसके एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं, जो C16 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मित्रों? C16 के नाम से जाना जाता है, C16। आप ये ध्यान में रखा, आप मित्रों ये ध्यान में आपको रखना है, कार्बन का जो अणुसूत्र होता है C16, यानी ये कार्बन है ये 60 है। दरअसल फुलरीन का जो एक अणु होता है उसके एक अणु में कार्बन के 60 एटम, कार्बन के 60 परमाणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं, राइट। ये ध्यान में रखना है, कई बार हमने देखा है बोर्ड परीक्षाओं कंपटीशनल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भैया कार्बन का अपर रूप होता है फुलरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से सभी। तो मित्रों इनमें से सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि फुलरीन भी कार्बन का अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, दरअसल ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप ही है। आप देख पाए फुलरीन का जो नाम होता है वॉलीबॉल होता है, दूसरा नाम बकमिस्टर है क्योंकि इसकी खोज बकमिस्टर ने की थी। फुलरीन के एक अणु में 60 परमाणु होते हैं कार्बन के, इसलिए इसे C16 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मित्रों आगे इसका जो मित्रों अणुसूत्र होता है वो होता है CN, जहाँ N क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, राइट। दूसरा पॉइंट मित्रों यह कहता है जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की उन्हें नोबल पुरस्कार से नवाजा गया। दरअसल मित्रों जिस वैज्ञानिक ने फुलरीन की खोज की थी उन्हें किससे? नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था, राइट। अब देखिए फुलरीन का उपयोग बहुत अच्छे स्थानों पर किया जाता है। कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग जवानों के चश्मे में एक सुरक्षा कवच के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग से जवानों के चश्मे में किसी भी उच्च प्रकाश की लाइट यानी उच्च प्रकाश की किरणें का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल मित्रों आप देखते हैं जो जवाने होते हैं, जो जवान बॉर्डर पर लगाए जाते हैं, कभी कभी वो ब्लैक कलर का चश्मा लगाए होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं SPG वाले जो होते हैं वो ब्लैक रंग का चश्मा लगाए होते हैं, उनके जो मित्रों ग्लास होते हैं, चश्मे के ग्लास होते हैं, उनमें फुलरीन का उपयोग किया होता है। अगर कभी भी दुश्मन की ओर से हाई लाइट हाई रेंज की किरणें उनके ऊपर प्रवाहित की जाए ताकि वो चकाचौंध हो जाएं, तो वो जो चश्मा है ना मित्रों उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्हें, राइट। तो इस प्रकार से देख पाए हम लोग सीख पाए फुलरीन के बारे में जो कि कार्बन का अपर रूप है। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।